चलिए आज पाइनएप्पल का हलवा बनाते हैं। तो भाई दो पाइनएप्पल है, इसमें से एक ही का बनाएंगे। इसके छिलके उलके छिलके निकाल देते हैं, पहले ऊपर का नीचे का हिस्सा कट करके निकाल लेंगे, फिर साइड से भी कट कर देंगे, सारा ऐसे कट करके निकाल देंगे ये हिस्सा। फिर जो बीच बीच में रह गया दिख रहा, इसको भी थोड़ा करके निकाल देंगे। अभी पहले साइड का निकाल दे रहे हैं, किनारे का, अभी बीच बीच का हिस्सा जो दिख रहा उसको भी निकाल देंगे। ऐसे निकाल सकते हैं या फिर ऐसे करके चाकू से कट करके निकाल सकते हैं। सारा ऐसे करके जितने हैं निकाल लेंगे, अब बाद में काट देंगे उसको। ऐसे सारे काट लिए, अब इसको चार भाग में काट लेंगे। बीच वाला हिस्सा उसके अंदर का चाहिए तो आप निकाल दीजिएगा। सब मिक्सर जार में डालेंगे, फिर इसको पीस लेंगे बारीक। ये देखिए पीस लिए पूरा। अब चलिए इसको छानते हैं। इसको छान देंगे, एक बाउल लेंगे, अब एक स्ट्रेनर लेंगे या छन्नी से भी कर सकते हैं आप। ये स्ट्रेनर में डाल देंगे और एक चमचे की सहायता से उसको घुमाएंगे, वो धीरे धीरे वो नीचे रस उसका जूस जो बोलते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी डालना है। ये देखिए निकल गया सारा, उसको भी लास्ट में दाब देंगे चमचे से, जो थोड़ा बहुत जूस है उसका वो भी निकल जाएगा। ये निकल गया, अब इसको एक ये अभी काम में नहीं आया था, इसको अलग कर देते हैं। ये देखिए इतना जूस निकला है। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसको बनाते हैं हलवा। इसका पैन में डाल देंगे इसको और गैस ऑन कर देंगे। आंच को भी स्लो रखेंगे। डाल दिए इसमें थोड़ा सा, इसमें लगा हुआ है थोड़ा सा पानी डाल के पानी डालकर इसको ये भी डाल देंगे इसमें। अभी आंच को तेज कर देंगे यहाँ पर और चमचे से चलाते रहेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि नीचे लगे ना, और बीच बीच में भी चलाते रहेंगे इसको। 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है और चलाते रहना है। अभी चीनी डाल देंगे आधा कप के बराबर। और फिर चलाते रहेंगे चम्मच, इस चीनी डालने के बाद 2-3 मिनट तक और पकाएंगे इसको। आंच को तेज रखेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी आधा कप कॉर्नफ्लोर लेते हैं, कॉर्नफ्लोर का आटा ये। इसके जगह अगर आप सूजी या मैदा का बनाना चाहें तो वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये जूस डालेंगे गरम, बचा के डालिएगा हाथ, बहुत गर्म है वो। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको, लम्स जैसा कोई ना रहे। इसको अच्छे से मिला के फिर डालेंगे। हाँ मिला दिए हैं, अभी डाल देंगे इसको और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे चमचे से। आंच को सिलो कर देंगे यहाँ पर, तेज आंच नहीं रखेंगे, न तुरंत वो सूख जाएगा। सिलो आंच पे ही इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। और उसे ऐसे बीच में अगर लम्स आए बीच में तो इसको इस चमचे से दाब देना है, मतलब कलछे से। अब भूनते जाना है लगातार, भूनते क्या लगातार चलाते जाना है। आंच को सिलो रखना है, तेज आँच से बिल्कुल नहीं करिएगा। बस ये हो गया है। उसे कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 5 मिनट तक फिर ऐसे की में सिलो आंच पर, ये बनकर तैयार है। चलिए इसको निकालते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। मैं काजू है इधर, काजू डाल दे रही हूँ छोटे छोटे टुकड़े। बस बनाइए और खाइए, खट्टा मीठा दोनों लगेगा। रेसिपी पसंद आता लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।